बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहबाब, आप देख रहे हैं हमराज पिछली यूट्यूब चैनल। आज मेरे साथ बहुत अच्छे शायर, अदीब, दानिश्वर लियाकत पर से तशरीफ लाए मेरे अच्छे दोस्त, बहुत अच्छे दोस्त, और आए थे हजूर सैयदना जलालुद्दीन हैदर सर कोट बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह की मज़ार पर हाज़िरी के लिए, और करम नवाजी की के हमसे भी मुलाकात हो गई। जनाब अहमद हिजाजी साहब लियाकतपुर से, आइए इनसे कलाम भी सुनते हैं और कुछ बातचीत भी हो जाए। अभी हम दरबार हज़रत जलालुद्दीन शेर शाह सैयद जलालुद्दीन हैदर सुर्ख पोश बुखारी वहीं पे बैठे हैं, तो सोचा कि क्यों ना एक यादगार बना लें अहबाब के लिए। तो साथ हमारे तशरीफ़ फरमा हैं हमारे उच्च शरीफ के मारूफ नात गो नात खां, और शायर भी हैं, टीचर भी हैं, अदीब भी हैं, दानिश्वर भी हैं। माशाल्लाह इनका अदीब घराने से ही ताल्लुक है, सैयद तहसीन अब्बास गौहर बुखारी से। अस्सलामु अलैकुम अहमद जाज साहब, क्या हाल है जनाब? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह बरकात हुजूर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज आप हजूर की मज़ार पर आए जी, तो आपको पहले तहसीन अब्बास बुखारी से मुलाकात हुई? जी बिल्कुल, ठीक है। तहसीन भाई बहुत अच्छे दोस्त हैं और हमराज सही, आपसे तो बहुत पुरानी मुलाकात है। जी बिल्कुल, तो बहुत आपकी किताब छपी दिसंबर जा चुका है, वो भी हमने पढ़ी, बहुत लुत्फ आया। तो आज स्पेशल दावत पर तहसीन भाई की मैं इधर हाजिर हुआ, और मज़ारे एक दस पे हाजिरी हुई, आँखों को ठंडक मिली, दिल को सुकून मिला अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं तमाम यूट्यूब चैनल वालों को ये कहना चाहूँगा कि आप हमराज सिंह के चैनल को देखते रहें और इसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें। बहुत शुक्रिया जनाब, ये आपकी मोहब्बतें हैं, मैं आपकी मोहब्बतों का बेहद सिपास गुजार हूँ। अच्छा, आप सुनाएं कि आपने शायरी कब से शुरू की और शायरी में आप कौन से असनाफ इस्तेमाल करते हैं और कौन सी ज़ुबानों में लिखते हैं? उर्दू में, पंजाबी में, सराइकी में, और गज़ल में, गीत में, किसके सेंस में लिखते हैं? जी, मेरा नाम अहमद हिजाजी है, मेरा ताल्लुक़ लियाकतपुर ज़िला रहीमयार खान से है, और मैं बचपन से ही हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को पढ़ता रहा हूँ, अहमद फराज को पढ़ा है, फैज़ अहमद फैज़ को पढ़ा है, और साहिल लुधियानवी को पढ़ा है। अच्छे अच्छे शोरा कराम की शायरी पढ़ी है, लेकिन शायरी की देवी मुझ पर 2017 में मेहरबान हुई, तो 2017 से बाकायदा लिखना शुरू किया। हज़रत साबिर जौहरी साहब इंडिया से मेरे उस्ताद हैं, और पाकिस्तान से अब्दुल रहमान वासिफ साहब मेरे उस्ताद हैं, तो अल्लाह पाक उनको सलामत रखे। और दोस्त अहबाब की शायरी फेसबुक पर व्हाट्सएप पर पढ़ते रहते हैं। बज़्म ख्याल के नाम से मैंने भी एक छोटा सा व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है, तो मैं एक गज़ल सुनाना चाहूँगा, इजाज़त हो तो। अर्ज़ किया कि ख्वाब दहलीज़ शब पर टहलता नहीं, दिल संभलता नहीं। वाह वाह। ख्वाब दहलीज़ शब पर टहलता नहीं, दिल संभलता नहीं। वाह वाह। मेरी आँखों से आंसू निकलता नहीं, दिल संभलता नहीं। ख्वाब दहलीज़ शब पर टहलता नहीं, दिल संभलता नहीं। मेरी आँखों से आंसू निकलता नहीं, दिल संभलता नहीं। मेरे अंदर खुशी रक्स करती नहीं, दोस्त मैं क्या करूं? मेरे अंदर खुशी रक्स करती नहीं, दोस्त मैं क्या करूं? रात कटती नहीं, दिन निकलता नहीं, दिल संभलता नहीं। मेरे अंदर खुशी रक्स करती नहीं, दोस्त मैं क्या करूं? रात कटती नहीं, दिन निकलता नहीं, दिल संभलता नहीं। और काश कोई तो हो जिसको एहसास हो वो मेरे पास हो, काश कोई तो हो जिसको एहसास हो वो मेरे पास हो। कोई जज्बा रगों में मचलता नहीं, दिल संभलता नहीं। क्या बात, क्या बात, बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। काश कोई तो हो जिसको एहसास हो वो मेरे पास हो, कोई जज्बा रगों में मचलता नहीं, दिल संभलता नहीं। वाह वाह। और उसकी खुशबू मुझे दे रही है सदा,
शहसीन सही मैं नहीं जाऊंगा, उसकी खुशबू मुझे दे रही है सदा, मैं नहीं जाऊंगा, मिलने जाऊंगी तो दिल बहलता नहीं, दिल संभलता नहीं। क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात, उसकी खुशबू मुझे दे रही है सदा, मैं नहीं जाऊंगा, मिलने जाऊं भी तो दिल बहलता नहीं, दिल संभलता नहीं। और एक घुटन मेरे बातिन की पहनाइयों में मकी हो चुकी, एक घुटन मेरे बातिन की पहनाइयों में मकी हो चुकी, आरजुओं का चश्मा उबलता नहीं, दिल संभलता नहीं। क्या बात। और काम शोला बयानी से अहमद लिया, फिर भी वो चुप रहा। अच्छा। काम शोला बयानी से अहमद लिया, फिर भी वो चुप रहा, उसके होंठों का ताला पिघलता नहीं, दिल संभलता नहीं। क्या बात, क्या बात, क्या ही बात है। काम शोला बयानी से अहमद लिया, फिर भी वो चुप रहा। काम शोला बयानी से अहमद लिया, फिर भी वो चुप रहा, उसके होंठों का ताला पिघलता नहीं, दिल संभलता नहीं। ख्वाब दहलीज शब पर टहलता नहीं, दिल संभलता नहीं। मेरी आंखों से आंसू निकलता नहीं, दिल संभलता नहीं। बहुत शुक्रिया दोस्तों।